जय श्री कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी का महात्म धर्मराज युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई और देवताओं को कैसे प्रिय हुई। तब हमारे श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है, सत्य युग में मुर नाम का एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, बड़ा रौद्र और सभी देवताओं के लिए भयंकर था। काल रूप धारी दुरात्मा देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, फिर उसने सभी देवताओं को परास्त किया। देवता स्वर्ग से निकाले जा चुके थे, शंकित भयभीत होकर पृथ्वी पर घूमा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव भगवान जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा दुखड़ा बताया कि हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं, क्या यही इनकी शोभा है, कोई उपाय बताएं, किसका सहारा लें। तब श्री शिव शंकर भोलेनाथ भंडारी आतुषो आशुतोष भगवान महादेव ने कहा, देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र सभी देवताओं को साथ ले क्षीर सागर पहुंचे, जहां गदाधर भगवान शयन कर रहे थे। उनके दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़ स्तुति आरंभ की। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है, देवता दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं, मधुसूदन हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, सभी देवता मुर नाम के दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें। जनार्दन, रक्षा करें। दानवों का विनाश करने वाले कमलनयन, हमारी रक्षा करें। प्रभु, हम सब आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता करें। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण, आप ही सब लोगों की माता और जगत के पिता हैं। भगवान देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभो, अति उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर दैत्य से हमें बचाइए। सभी देवताओं को जीतकर उसने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंग नाम का एक महान असुर उत्पन्न हुआ, बड़ा भयंकर। उसी का बेटा मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ, अत्यंत उकट महापराक्रमी, देवताओं के लिए भी भयंकर। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में जगह बनाकर वो निवास करता है। उस दैत्य ने सभी देवताओं को हराकर स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। हे प्रभु, उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। इतना ही नहीं, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु और वरुण, झूलेलाल महाराज उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने हर स्थान से वंचित कर दिया है।
इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्य राज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे हारकर सभी देवता दसों दिशाओं में भाग रहे। वह दानव भगवान श्री विष्णु को देखकर कहने लगा, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से व्याकुल हो उठे। पांडुनंदन, फिर श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। फिर भगवान मधुसूदन बद्री का आश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी, 12 योजन लंबी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मुर भगवान को मार डालने के लिए पीछे लगा था। वह वहां पहुंचकर उसी गुफा में प्रवेश कर गया। वहां भगवान को सोते देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाला देवता है, निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठर, दानों के इस तरह विचार करते ही भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त। वो भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठर, दानव राज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानों के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब तरह से युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नाम के महान असुर सामने टिक न सके। जब उस तेजोमय कन्या ने, श्री विष्णु अंश स्वरूपा ने जब एक हुंकार भरी, केवल उसके हुंकार भरने से ही वो भयंकर दानव मुर, जिसने सभी देवताओं को बेदखल कर दिया था, उस कन्या के हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखकर पूछा, अरे मेरा यह शत्रु अति उग्र भयंकर, इसका किसने वध किया? कन्या ने कहा, स्वामिन, आपके ही कृपा से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि देवता आनंदित हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं। वह कन्या ही साक्षात एकादशी थी। बोलो देवी एकादशी जी की जय। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, सभी विघ्नों का नाश करने वाली, सब तरह की सिद्धि देने वाली देवी हूं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब तरह की सिद्धि मिले। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन धर्म मोक्ष सब दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है, इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। अगर उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित थोड़ी सी भी त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लें तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इसी तरह द्वादशी में पारण करने पर
सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से भरे होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो, पहले दिन दिन में और रात में भी एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे, तो पहली तिथि का त्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जहां साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे सहस्त्र हजार गायों के दानों का गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति में भरकर इस महात्म का केवल श्रवण ही कर लेते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि महापापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि एकादशी के समान पाप नाश करने वाला व्रत दूसरा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो प्यारी साथ संगत जी, आप हर एकादशी का पालन करें, देखिए कितना लाभ है। कम से कम एकादशी के दिन अन्न तो बिल्कुल न खाएं, जल फल दूध लें और खूब भक्ति करें। आप देखिए जो हजारों सालों की तपस्या से लाभ नहीं होता वो केवल एक एकादशी करने से होता है। जीवन सफल करें, यहां सुख समृद्धि और भक्ति पाएं, फिर साक्षात प्रभु का धाम और श्री गोविंद को पालें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री एकादशी देवी जी की जय, सतगुरु बाबा भगत राम साहब की जय, श्री जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। आयो लाल कयो झूले लाल। सात संगत जी, पवित्र कथा अमृतमय भक्ति सबको अवश्य भेजें, सबका भला करें। ये साक्षात परमात्मा की सेवा है, हर जीव की सेवा है। जय श्री कृष्ण। सतत निःशुल्क श्रवण करने के लिए सत्संग कथा कीर्तन गुरबाणी आदि इस नंबर पर संपर्क करें 09329642139। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।